नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो मेथड बताया था कि हमारा जो सा है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है, या फिर मैंने जो डायग्राम बना के आपको दिया था, इस प्रकार का एक डायग्राम, तो इसके हिसाब से हम अलंकार की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने स्केल का एक तानपुरा लगा लें और उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप हारमोनियम से करें। अगर आपके पास हारमोनियम है तो हारमोनियम से करें बिल्कुल स्लोली। ठीक है, और फिर हारमोनियम को थोड़ा सा साइड कर दें और फिर तानपुरा के साथ में मैचिंग करने की कोशिश करें। पेपर पे लेके आना है तानपुरा के साथ में। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, ये जो सा है ना, इसको बिल्कुल स्लो करना है इसका साउंड और तानपुरा के साथ कॉन्सेंट्रेट करना है। सा तानपुरा में सर्च करना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी तानपुरा से कहां मैच हो रही है। सा सुर पे नहीं जाना है। सा Ah.
मैं यूज कर रहा हूँ जिससे तानपुरा चल रहा है, ये तानपुरा ड्रॉइड के नाम से ऐप है। आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके भी मोबाइल में वो फ्री में अवेलेबल है। आप उसको तानपुरा ड्रॉइड के नाम से इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके, और आप बस शुरू करते हैं। उसमें डिफॉल्ट सेटिंग आती है, उसी को रहने दें, बस अपना स्केल चेंज कर लें। जहाँ पर पिच की बात आती है उस पिच को चेंज कर लें कि आपका सी शार्प है, सी है, या जो भी है आपका स्केल, बस बाकी किसी भी चीज़ को ना छेड़े। अब देखिए, मैं थोड़ी आपसे बात कर ली, क्या मैं मेरे उसी सापे हूँ? तो सबसे पहले मुझे उस तानपुरा के साउंड के उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर वो मेरी मैचिंग हो रही है। उसके बाद में फिर आप अगले सुर पर चले जाइए मेरे साथ में, सा रे, और जो ही आप रे पे आएंगे तो आप तानपुरा की साउंड सुनना, तानपुरा रे के लिए तैयार हो जाएगा। जब आप सा बोल रहे थे तो सा के लिए तैयार था, जब आप रे बोलेंगे तो रे के लिए तानपुरा तैयार हो जाएगा। अब आप ये देख लें कि क्या मेरा रे सही लग रहा है, हारमोनियम से आप मैच कर लें। सा रे, रे सा, तीनों सुरों को, बस तीन सुरों पे काम करिए। सा रे गा, सा रे गा, रे से ऊपर जा रहे हैं, सा रे गा रे गा रे, नीचे आ रहे ना, सा रे गा रे गा रे गा रे। तो दोनों में अंतर है कि सा से रे पे चढ़ना
और गा से रे पे उतरना, तो वो जो चीज है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो स्टाइल है, उस चीज को आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में सेट करना है। सा रे गा रे अरे अरे सा, तो सा से रे पे जाना, रे गा से रे पे आना, इस दोनों के चीज में एक छोटी सी बात है, वो बात आपको मेरी समझ में आई होगी कि उस बात को रखना है, उस बात को अपने दिमाग में रखना है। गलतियां होंगी, होने दो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई कुछ भी कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बस धुन के अंदर मस्त रहिए। सासे सारे गा गारे सारे गारे सारे गारे सारे गारे, तो ये चीज है ना, सारे गारे, ये जो ए हल्का सा हो रहा है स्टाइल, हो सकता है आपको और लगेगा, लेकिन ये चीज आपको कैच करनी है, इस चीज को आपको ढूंढना है, क्योंकि सा से रे पे, गा से रे पे जब वापस हम देखेंगे तो सुर से सुर के ऊपर जब हम उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो वो चीज अगर अपने ब्रेन में या गले में सेट हो गई, बस फिर काम बन जाता है। तो देखिए वापस से बिल्कुल स्लोली, सा रे सिर्फ तीन सुरों का सेट है। इन तीन सुरों में आप, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिल्कुल स्लोली और एक एक सुर को समझेंगे, तो ये जो ए, ए, ये जो चीजें है ना, आपको देखने को मिलेंगी, कैच करने को मिलेंगी, वो चीज है, वो एक तरीके से कनेक्टर है, जो एक सुर से आगे बढ़ाने के लिए, एक सुर से नीचे उतारने के लिए, ठीक है। तो वो जो कनेक्टर्स को अगर आपने अपने ब्रेन में कैच कर लिया, तो बस काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे गा से मा जाइए, मा से पा जाइए, पा से धा जाइए, धा से नी जाइए। तो आज के दिन इस वीडियो में सिर्फ आप सारे गा की तैयारी करें, और फिर हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर आगे सुरों पे जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो अभी सारे सुर को उच्चारण करके बता दूंगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक सुर से चढ़ते वक्त हमको क्या फीलिंग आएगी, क्या है, कहाँ ढूंढेंगे उसकी जगह, और किसी सुर से उतरेंगे तो क्या है। अब गा से सा पे जब आएंगे तो एक अलग कनेक्टर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टर, कि गा से सा पे कैसे उतरना है, रे से गा पे कैसे गए, गा से सा पे, इन कनेक्टर्स को हमको ढूंढना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे गा की और सा गा रे सा, सारे गा गा रे सा, इसका आप प्रैक्टिस करें आराम से, एक दिन लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको तानपुरा के साथ में मैचिंग कर लिए हारमोनियम की हेल्प लेकर के। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए, और चैनल या वीडियो पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।